अल्लाह योर आई एम जैन बरश वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट्स आज हम जू फाइव टेन का जो लेक्चर नंबर ट्वेंटी नाइन है वो डिस्कस करेंगे तो इस लेक्चर में हम देखेंगे फिश की न्यूट्रेशन क्या है डाइजेशन क्या है और मेटाबलिज़म ओवरऑल जो है डाइजेशन का और रिस्पायरेशन वगैरह का जो भी उनके जिसमें मेटाबोलिज्म है वह देखेंगे फर्स्ट ऑफ आल जो है वह देखेंगे हम फीडिंग ऑफ़ फ़िशज यानी फिश जो है वो फीडिंग कैसे करती हैं फीडिंग उनकी किस पर डिपेंड कर रही है फर्स्ट ऑफ आल वो फीडिंग करेंगी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट मिसाल के तौर पर जिस फिश को आप जिस जिस तरह का इन्वामेंट देंगे वो उस अनवायरमेंट के तौर पर अडेप्ट हो जाएगी वहाँ की खुराक खाएगी जैसे जो वार्म वाटर से भी फिश होती हैं उनकी खुराक और होती है जो गर्म पानियों में रहती हैं और जो ठंडे वाटर में रहती हैं कोल्ड वाटर फिश में रहती हैं उनकी जो खुराक होती है वो और होती है ठीक है तो जो वार्म वाटर फिश है उनमें जो फिश की इकसाम एग्ज़ाम्पल इन्होंने दी हुई है एक है टैपिया एक है कॉर्प इनकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी और ए, ए, जो कोल्ड वाटर फिश में रहने वाली है फ़िश वो है रेनबे ट्राउट ठीक है रेनबो ट्राउट जो है ये ट्राउट की किस्म समय है फिश की तो ना, ये तो होगी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट फिशिंग फिश दूसरी होती है अकॉर्डिंग टू वाटर यानी वाटर हम कैसे दे रहे हैं एक फाटर होता है फ्रेश वाटर ठीक है दूसरा होता है मैरन वाटर फ़्रेश वाटर में हमारे पास वाटर की अवेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट या साल्ट कंसनट्रेशन और जो मेरीन फिश होती है उसमें हमारे पास सोल्यूट और यानी साल्ट की कन्सनट्रेसन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर यानी सॉलमेंट तो ये इनके हवाले से भी जो फिशेस की खुराक है वह चेंज होती रहती है उनकी बॉडी के मुताबिक न्यूट्रंट रिक्वायरमेंट और ओवरऑल जो जनरल न्यूट्रेंट चाहिए किसी भी फ़िश को वो कितना होना चाहिए ठीक है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले तो वो टेम्परेचर बता रहे हैं दी स्टैंडर्ड इन्वॉर्मेंटल टम्परेचर एस सेट का मतलब क्या है यह अपने एब्रीवेशन एम सी के लिए याद रखना है एस सी टी स्टैंडर्ड इन्वयमेंटल टेम्परेचर क्या है फार कोल्ड वाटर स्पीशीज के लिए कितना होना चाहिए टेन डिग्री यानी जो जो फिशीज़ कोल्ड वाटर में रहती हैं उनके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए टेन डिग्री होना चाहिए इससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो फिश वार्म वाटर में रहती हैं उनके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए थर्टी डिग्री ये एम सी के लिए आपने याद रखना है और जो कोल्ड वाटर में रहती हैं फिश स्पीशीज वो आपने ऊपर भी देखी हैं एक इधर क्या उन्होंने उसके एग्जाम्पल लिखी हुई इस्लामल लिखी हुई है और नीचे जो वार्म वाटर में रहती हैं जो कि थर्टी डिग्री तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती हैं फिशेस वो हैं कैनल कैटल फिश ठीक है इफ़ वाटर टेम्परेचर डेविएट अपवर्ड देन सेट ठीक है वो कहते हैं कि अगर स्टैंडर्ड इन्वॉर्मेंटल टेम्परेचर से टेम्परेचर डेविएट कहा जाता है यानी ज़्यादा हो जाता है तो न्यूट्रंट रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है ठीक है अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो न्यूट्रंट तो तो की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ होगी हमें ज़्यादा न्यूट्रंट देना पड़ेगा अगर टेम्परेचर जो है उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी तो न्यूट्रंट की रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाएगी ठीक है वॉइस वर्सा का ये मतलब है मोस्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यूट्रंट दैट हैव बीन पब्लिश्ड फोकस ऑन जिम जिमें लाइन फिश जिमें लाइन फिश वो होती है जो कि अभी एडल्ट फिश है नहीं होती तो जो ने बेबी फिश होती हैं जो है लाइव फिश जो होती हैं उनको ज़्यादा न्यूट्रंट की ज़रूरत होती है क्योंकि उनकी प्रोडक्ट ग्रोथ हो रही होती है उनको अडल्ट में चेंज होना होता है तो उस वक्त तो उनको खुराक की बड़ी ज़रूरत होती है मिसाल के तौर तो पर श्रिम्प वगैरह मैनी रिप्रेजेंट सिंगल लैब एक्सपेरिमेंट अनचैलेंजड अनसपोटेड बाई अदर्स यानी इसके हवाले से हमने खुराक का और न्यूट्रंट का और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन किया इसके हवाले से हमने लैब एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं ऑप्टिमम परफॉर्मेंस कैन बी इफेटेड बाई मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड फिश श्रिम्प बसाइज अब वो कह रहे हैं कि जो ओवरऑल फ़िश की लाइफ की परफॉर्मेंस है ठीक है उसकी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ हैं आया को वो अच्छी हैं या नहीं अच्छी हैं या वो बीमार है वो क्या है वो किससे से अफेक्ट हो रही हैं मैनेजमेंट से मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जो फिशिज़ को पौंड के अंदर ग्रो करवा रहा है वो बंदा जिसने पौंड बनाया जिसने फिशज़ को ग्रो करवाया जो मैनेज कर रहा है चीज़ जो खुराक दे रहा है जो इनको वाटर दे रहा है जो इनको ऑक्सीजनेशन दे रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आया कि जो वाटर है वो कैसा है जिसके अंदर ये रह रही हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वायमेंट कैसा है इनका ठीक है फ्रेश वाटर है जहाँ फिर मेरीन वाटर है या फिर मौसमियाती तब्दीलियाँ जो होती हैं उनका इस पर क्या असर होता है और नेक्स्ट जो होती है वो होती है फ़िश के साइज़ पर जो फ़िश हम यूज़ कर रहे हैं ना पॉन्ड के अंदर आया उसके उसका साइज कितना है जितना साइज ज़्यादा होगा वो अपने साइज़ और जिसम के लिहाज से क्या होगी न्यूट्रेंट लेगी तो साइज़ ऑफ फिश या कोई भी श्रिक जो हम यूज़ कर रहे हैं इन फार्मोलेटिंग डाइट्स बारे सीपी शीज फॉर विच न्यूट्रेन रिक्वायर्ड्स आर अर दोपीज़ आर यूज अब वो कहते हैं कि कोई एक सभी चीज़ है जिसकी हमें डाइट का पता नहीं है कि वो फि सपीशी एक टाइम पर कितना खाना खा लेती है तो हम उसका दूसरी फिश उसके लिहाज से थोड़ा सा इतना सब लगा लेते हैं रिलेट कर लेते हैं कि आया वो स्पीशीज इतना खा लेती है तो इसके हवाले से भी हमें इतनी फीड जो होगी वो चाहिए और इसको खिलाना होगा एस्टिमेशन कर लेते हैं अननोन के लिए न्यूट्रेटी रिक्वायरमेंट कितनी होती है हमारे पास मोस्ट वेरिएशन अमंग एक्वेटिक स्पीशीज कैन बी एसोसिएटेड वेदर द द एनिमल्स आर अब न्यूट्रंट रिक्वायरमेंट यानी न्यूट्रंट कितनी देनी है हमने फिशेस को वो डिपेंड कर रहा है कि आया कि वो फिश कोल्ड वाटर में रह रही है वार्म वाटर में रह रही है फ्रेश वाटर में रह रही है मेरीन में रह रही है फिन फिश है या फिर क्रस्टेनियस फिश है फिन फिश का मतलब जिसके फिन लगे होते हैं ठीक है अगर आपने फिन फिश को नहीं देखा तो यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई थी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाई है देखें ये फिश के फिन होते हैं ये ठीक है ये कॉडुलल फिन फी, है ये हमारा पोस्टीरियर फिन है ये हमारा इंटीरियर फिन है ठीक है इंटीरियर फी, कुछ फिश के ये फिन होती हैं और कुछ फिश जो होती हैं ये वो इन फिनस के बगैर होती हैं उनके पिन से नहीं होते तो फिन फिश के लिए और खुराक होगी कस्टेसियंस के लिए और होगी वैल्यूज़ इन न्यूट्रंट रिक्वायरमेंट टेबल्स ऑनली प्रजेंटेड मिनिमम डॉट अलाउ फॉर प्रोसेसिंग ए स्टोरेज लॉसिस वो कहते हैं कि हमने कोई भी न्यूट्रंट रिक्वायरमेंट टेबल्स बनानी हैं अगर एक पूरी इस्टिमेशन बनानी है कि फ्लॉट टाइम पर हमने फ़िजिज़ को इतना खाना देना है तो हमने सिर्फ वो ही उतना तो ही लिखना है जितना हमने देना है अगर हम एक्स्ट्रा उनको डालेंगे तो क्या होगा हमारा स्टोरेज लॉस हो जाएगा हमारी क्रॉक लॉस हो जाएगी फ़िश ने उतना ही खाना है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है ए ए से मिनरल्स ए ए का मतलब है अमाइनो एसिड जो होते हैं खुराक में वो मिनरल्स स्टेबल विद रेफरेंस टू हीट मॉइस्चर एंड ऑक्सीडेशन यानी हीट कितनी है मॉइस्चर कितना ऑक्सीडेशन कितना इन्वायरमेंट के अंदर खुराक के अंदर कितनी उसको हवाले से हमने मिनरल्स देने हैं विटामिन कितने देने हैं लिपिड्स कितने देने और नॉट स्टेबल ठीक है ये स्टेबल नहीं होते जैसे ही विटामिन और लिपर्स जो होते हैं वो हम अक्वा कल्चर कर, के वाटर में डालते हैं तो वो क्या होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है क्योंकि वो ऑक्सीजन को फेस कर रहे होते हैं लाइट को फेस कर रहे होते हैं हीट को मॉइस्चर को फेस कर रहे होते हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो चेंज हो सकती है तो उस लिए हम कहते हैं कि जो मिनरल्स और विटामिन और लिपड्स हैं उनको ठंडी जगह पर स्टोर करके रखना चाहिए हीट से बचा के फिफ्टी परसेंट ऑफ एस्कोर बिक एसिड इज़ लॉस्ट इन प्रोसेसिंग लाइफ हाफ लाइफ हाफ टू थ्री थ्री मंथ इन स्टोरेज अब वो क्या कह रहे हैं कि फिफ्टी परसेंट जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो प्रोसेसिंग के दौरान ही ज़ाया हो जाता है ये ज़ाया नहीं होना चाहिए टू क्योंकि इसकी स्टोरेज जो है वो बन रहे अगर हम एसबोरिक एस्कॉर्बिक एसिड को स्टोर करें तो वो कितने मंथ रह सकता है टू टू थ्री मंथ तो ये एसिड भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है फ़िफ्टी परसेंट जो होता है वो बनाने के दौरान खिलाने के दरमियान यूज़ करने के दौरान ही ज़ाया हो जाता है तो यहाँ पर जो था ये था आ गया फीडिंग ऑफ फिश प्रोटीन रिक्वायरमेंट प्रोटीन कितनी चाहिए किस फिश को मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट देना होता है हमने ठीक है मेन सोर्स ऑफ एजिशनल अमाइनो एसिड क्या है प्रोटीन है ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट क्या है फ़िश का प्रोटीन है ये आपने याद रखना है और अमाइनो एसिड का जो एजिशनल कंपाउंड है वो भी प्रोटीन ही बनाती है द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स भी क्या है यानी महंगी चीज जो है प्रोटीन से है वो ही हासिल होती है कारनीवर्ड स्पीशीज कंज्यूम फूड्स विद फिफ्टी परसेंट ऑफ प्रोटीन हर्बी बोर्ड्स और आमनीवर्ड्स जो होती हैं वो लेस बन जो कारनीवर्ड स्पिशीज़ होती हैं ठीक है, है कारनीवर्ड्स का पता है ना वो फिश जो होती हैं वो फूड को कंज्यूम कितना करती हैं वो फूड यूज़ करती हैं जिनके अंदर प्रोटीन की जो है फ़िफ्टी परसेंट से कम हो लेकिन जो हर्बी बोर्ड्स होती हैं जो घास खाने वाली होती हैं ओमनीवर्ड्स होती हैं जो घास भी खा लेती हैं गोश्त भी खा लेती हैं वो दोनों जो होती हैं उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो फिफ्टी से लेस होती है तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए पहला उन्होंने लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ़ प्रोटीन फॉर फिश प्रोटीन के फंक्शन क्या हैं फ़िश के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में याद रखना है कि बताना है कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है फ़िश के अंदर पहली बात तो यह कि प्रोवाइड करती है एनर्जी दूसरी बात है ये प्रोटीन देती है प्रोटीन जो है उससे बनते हैं न्यू अमायनो एसिड और प्रोवाइड करती है एसिड चौथी बात तीसरी बात यह है कि फंक्शन फंक्शनल प्रोटीन्स जो होती हैं बहुत सारी हैं लाइक हार कुछ हारमोनस जो हैं वो प्रोटीन है ठीक है और कुछ इंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन है ठीक है तो वो फंक्शनल प्रोटीन्स कहलाती हैं हारमोन्स और इंजाइम्स जो हैं जो कि फिशज़ के अंदर कुछ काम कर रहे हैं वो प्रोटीन्स हैं प्रोटीन से बनते हैं तो वो फंक्शनल प्रोटीन्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनका सोर्स है प्रोटीन फंक्शंस इनके क्या है ये मसल्स टिशू फॉर्मेशन जो प्रोटीन होती है जैसे एक्टन और फिलाेंट जो है एक्टन है ट्यूब्योलन है ये जो प्रोटीन है ये मसल्स के अंदर मौजूद होती हैं मसल्स को बनाती हैं तो इनका ये काम है ये मसल्स फॉर्मेशन करती हैं मसल्स के टिश्यूज़ को बनाती हैं ये कंपोनेंट है इंज़ाइम का एंटीबॉडी का हारमोन का ब्लड प्रोटीन का सीरम का ठीक है ये जो हमारे जिसम के अंदर हार्मोन काम कर का रहे होते हैं हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो हमारे इंजाइम्स हैं ये भी क्या है प्रोटीन का इसके अंदर कोई ना कोई पार्ट मौजूद है कोई ना कोई इनके अंदर प्रोटीनियस पार्ट है मौजूद होता है टिशू रिकवरी अगर कोई टिशू खराब हो रहा है तो उसको रिकवर करने में उसे रीजनरेट करने में उसे न्यू बनाने में प्रोटीन चाहिए होती है खुराक चाहिए होती है प्रोटीन की शक्ल में हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट आइए ग्रोथ बढ़ाती है ग्रोथ बढ़ाती है और रीप्रोडक्शन लास्ट माना कि यह रिप्रोडक्शन में भी इसका बहुत अहम करदार है सोर्सेज़ ऑफ़ प्रोटीन कौन कौन से हैं जो ये भी आता है ये असाइनमेंट में भी आपका क्वेश्चन आएगा और ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन कौन से हैं जी हमें प्रोटीन के सोर्स कहाँ से मिलते हैं एनिमल से जो एनिमल्स का मीट है गोश्त है वो सारा क्या है प्रोटीन का सोर्स है जैसे कि फ़िश है मील मीट है ठीक है एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट से मिसाल के तौर पर अगर हम कोई खेत उगाते हैं जैसे चावल हो गए गंदम हो गए उसके साथ हमें एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ भी मिल जाती हैं जिनमें कुछ सीरल्स होते हैं लेगमेंट्स यानी बीजदार पौधे भी उग जाते हैं वो हमें बाय प्रोडक्ट साथ मिल रहा है एग्रीकल्चर का साथ एल जी एल की भी कुछ फार्म्स लग जाती हैं तो ये उससे भी हमें फ़ायदा होता है इकोनॉमिकली एग्रीकल्चरली उससे भी हमें प्रोटीन मिलती है नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है उसको हम रिसाइकल करते हैं साफ़ करते हैं और इससे क्या करते हैं हम प्रोटीन का जो है अमाउंट हासिल करते हैं लास्ट जो सोर्स है वो है प्रोटीन फ्रॉम एनिमल तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हम खाते हैं उससे हमें फ़िश जैसे है, फ़िश का मीट है बोन मीट है फिदर मीट यानी ये जो एनिमल्स के पार होते हैं और बाय प्रोडक्ट्स लटर यानी बोन्स और आर्गन हैं सोयाबीन है मेज मील है ये सब जो हैं क्या है हमारे पास प्रोटीनियस सोर्स हैं और बहुत ज़्यादा हम इनको यूज़ करते हैं तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था शॉर्ट्स लेक्चर था नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त अल्लाह हाँ।